हेलो फ्रेंड, दिस इज प्रशांत अगेन फ्रॉम कोलकाता। तो फ्रेंड, आज हम जो वीडियो आप लोगों को सामने लेकर आए सिखाने के लिए, वो है ऑर्डर ई ब्लाउज हम कैसे तैयार करें। ठीक है, तो ऑर्डर ई ब्लाउज कैसे तैयार करें फ्रेंड, इसके एक बंगाली वीडियो था हमारा है, और क्या है वो वीडियो, जैसे कि जो लोगों को बंगाली समझ में नहीं आ रहा है, तो उन लोगों को बहुत दिनों से हमें ये रिक्वेस्ट कर रहा है, जैसे कि आप प्लीज वो वीडियो हमारे हिंदी में करें। तो इसके लिए मैंने वो देखा और सोचा अभी क्यों ना करें हम, तो इसलिए वो वीडियो मैं आज आप लोगों को सामने दिखाने वाला हूँ, जैसे कि ऑर्डर ई ब्लाउज कैसे हम तैयार करें। यानी कि हम दिखाएंगे फ्रेंड, जैसे कि कोई आपको सैंपल दे दे, यानी कि ब्लाउज का कोई आपको सैंपल दे दे, यानी कि आपको एज इट इज बनाना है, तो वो हम कैसे बनाए इसका वो टेक्निक हम इस वीडियो में सिखाएंगे। और क्या है, जैसे कि बहुत सारा लोग क्या करते हैं, सैंपल देते हैं मगर उसके जैसे नहीं बनाते हैं, वो अपना स्टाइल से बनाते हैं, सिर्फ साइज का मेजरमेंट वो लेते हैं। मगर फ्रेंड, मैं ये वीडियो में दिखाऊंगा जैसे कि वो जो स्टाइल देगा आपको, यानी कि वो अगर बहुत जो जो यानी कि जो लोग बिजनेस करते हैं, ब्लाउज का बिजनेस करते हैं, उन लोगों को क्या है, अलग अलग से आपको पैटर्न का स्टाइल होता है। तो यानी कि जो ऑर्डर देता है उनका अगर एक स्टाइल हो, अगर हमसे बनाना चाहते हैं तो हम हमारा पास से वो करें, मगर ठीक हो सकता है। मगर मैं जो सिखाऊंगा आप लोगों को, जो वो देगा यानी कि जो वो स्टाइल देगा उसी स्टाइल से आपको कॉपी करना हम सिखाएंगे। यानी कि जो ब्लाउज आपको कोई देगा, हमारा ये ब्लाउज हमें चाहिए, तो आप उसी से यानी कि वो स्टाइल से कॉपी करके आप कैसे एज इट इज कॉपी करके वो आप डिलीवरी दे सकते हो, वो टेक्निक मैं इस वीडियो में सिखाऊंगा। और जो लोगों को बंगाली यानी कि बंगाली जो लोग नहीं जानते, उन लोगों के लिए मैं बना रहा हूँ इस वीडियो। आप लोग इस वीडियो में सीख पाएंगे फ्रेंड, जैसे कि ऑर्डर ई ब्लाउज यानी कि कोई सैंपल दे, उसका पैटर्न मेकिंग करना है आपको, और उसके बाद आपको क्या करना है फ्रेंड, पैटर्न मेकिंग के बाद आपको कोई भी कपड़ा ले, यानी कि लाइनिंग आप करें तो लाइनिंग ब्लाउज कटिंग करें, और साथ में स्टिचिंग भी हम दिखाएंगे, पूरे डिटेल्स इस वीडियो में दिखाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए फ्रेंड इस वीडियो में कुछ पार्ट होगा, आपको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप सभी पार्ट देखें, और सभी पार्ट में कुछ ना कुछ आपको सीखने के लिए मिलेगा। ठीक है, और जैसे कि मैं कुछ बता दूं फ्रेंड आप लोगों को, मैं जो इस वीडियो में जो टेक्निक आप लोगों को सिखाऊंगा फ्रेंड, वो क्या है, जैसे कि एलिट को जैसे दिखता है, जैसे लेंथ है उसका, जैसे हुए थे एस लेंथ का जैसे दिखता है, यानी कि जो जो मेजरमेंट है एज इट इज आपको वही कैसे हम करें। मगर फ्रेंड हम ब्लाउज को नहीं खुलेंगे, ठीक है, यानी कि ब्लाउज का कोई भी हम स्टिच नहीं खुलेंगे, विदाउट स्टिच हम ये आप लोगों को दिखाएंगे जी कैसे हम ये तैयार कर सकते हैं। ठीक है, और आपको इसमें क्या मिलेगा फ्रेंड, जैसे कि आपको एक भी ऑल्टर नहीं मिलेगा। ऑल्टर का मतलब है आप जैसे कि हमारे सामने तो पूजा है, तो इसके लिए हम कोई भी ऑर्डर ले, और कोई अर्जेंट ऑर्डर हो जो एक दिन में हम डिलीवरी दे दे, अगर आपको गलती वलती हो गया तो वो आपको फिर से ऑल्टर आएगा, आपका रेपुटेशन खराब हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या कहते हैं आप लोगों को, ऐसे तरकीब में सिखाएंगे फ्रेंड आप लोगों को, पांच ये ऑल्टर नहीं आएगा। जो ब्लाउज उसका अगर फिटिंग्स हो तो आप फिटिंग्स 100% फिटिंग्स होगा। ठीक है, तो इसलिए मैं इस वीडियो अपलोड करूंगा। ठीक है, आप देखते रहिए, और मैं इसके बाद जो वीडियो अपलोड करूंगा उसमें हम दिखाएंगे कैसे हम ऑर्डर ही मेजरमेंट लेकर हम एक पैटर्न कटिंग करेंगे, और साथ ही साथ स्टिच करेंगे। ठीक है, और फ्रेंड और एक बात बता दो फ्रेंड, जैसे कि बहुत सारा लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली कपड़ा में ड्रॉ करके वो ऑर्डरिंग का काम करते हैं, मगर मैं वो नहीं करता हूँ और वो मैं प्रेफर नहीं करता हूँ। ठीक है, मैं रिकमेंडेड करूंगा फ्रेंड, मैं जो स्टाइल आप लोगों को सिखा रहा हूँ दिखा रहा हूँ, तो फ्रेंड वो क्या है, उन लोगों को क्या होगा, बार बार करना पड़ेगा, मगर आप मैं जो दिखाऊंगा आप लोगों को वो क्या है, आपका यानी कि राम श्याम जदू मधु कोई भी अगर हो आपको ब्लाउज दे, तो वो ब्लाउज का एक बार ही आपको पैटर्न कटिंग करना है। यानी कि आप जब आपको नॉलेज का जानकारी हो जाएगा तो पैटर्न तैयार करने में आधा घंटा लग जाएगा। ठीक है, और उससे फायदा क्या होगा आपका, वो यानी कि राम श्याम जदू मधु कोई भी आपके पास एक बार पैटर्न करे तो उसका नाम लेकर आपको रखना है, यानी कि दोबारा वो जब भी कोई भी ब्लाउज दे उसी से हम कटिंग कर दे, यानी कि हमारा वक्त उसके बाद नहीं लगता, एक बार ही वक्त लगता है
और ज्यादा मोटा होगा यानी कि पतला होगा तो क्या होगा, साइड से थोड़ा सा चेंजिंग करता है, वो मैं इस वीडियो में आप लोगों को सिखा दूंगा। और ये बहुत ही पावरफुल वीडियो होगा फ्रेंड आप लोगों के लिए, जैसे कि ये हमारा फुल प्रूफ प्लान है, ठीक है। तो साथ साथ आपको जो फॉर्मूला है और उसके भी आपको जानकारी होना बहुत जरूरी, मैं बता दूंगा आप लोगों को। इसके साथ साथ क्या फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है, हम तो फॉर्मूला पहले अपलोड कर चुका है, ठीक है, तो वो आप लोगों को देख लेना पड़ेगा। हम अगर कहाँ देखना है, क्यों देखना है, कब देखना है, मैं सब डिटेल्स बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए देखते रहिए, मैं आप पैटर्न दिखाऊंगा। तो फ्रेंड ये देखिए, ये एक ऑर्डरी ब्लाउज मैंने लिया है और ये सैम्पल जो जिनका ब्लाउज है उन्होंने दिया है। और तो एट फर्स्ट आपको क्या करना है, कुछ मेजरमेंट इसमें लिखना है और मैं जो फ्रेंड दिखाऊंगा फ्रेंड एज इट इज, यानी कि जो ब्लाउज उन लोगों ने, यानी कि जो ऑर्डरी जिसका कस्टमर का जो ब्लाउज है, जितना मेजरमेंट जितना एलिट है उतना ही रहेगा, मगर मैं कोई भी ये कपड़ा नहीं खोलूँगा, ठीक है। और विदाउट खुल के मैंने दिखाऊंगा ये कैसे मैं जो ऑर्डरी ब्लाउज है वो जिसका ब्लाउज उसी से आपको कॉपी करना है, ठीक है। तो एट फर्स्ट आपको क्या करना है, जैसे कि हमें पता करना है इसका बास्ट कितना है, ठीक है। तो ये देखिए ब्लाउज को लेकर, और फ्रेंड और एक बात बता दूँ, जैसे कि बंगाली में था तो जो लोग चाहे तो बंगाली में आप देख सकते हैं, लैंग्वेज का प्रॉब्लम है तो फिर से मैं दिखा रहा हूँ, ये रिक्वेस्ट का वीडियो है ये। आपको इसी तरह इसका बास्ट देखना है, तो फ्रेंड ये 20 है और मैं दिखाऊंगा, मैं जो जो पैटर्न काटूंगा ये दिखा रहा हूँ एक साइज में, और दूसरा जब स्टिच करूंगा तब मैं दिखाऊंगा दूसरा साइज में दिखाऊंगा। जब पैटर्न काटूंगा मैंने दो तकलीफ दिखा क्या बोलते हैं उसे, दो स्टाइल में दिखाऊंगा, ठीक है। तो हमारा बास्ट 20 यानी कि 14, वेस्ट हमें पता करना है कितना है, वेस्ट है फ्रेंड 18 हम पकड़े तो ठीक ठाक है, 18 इंच। चलिए फिर से ठीक है 18 इंच चले जाएगा। और उसके बाद फ्रेंड हमें और जो जो चाहिए हम डायरेक्ट हम जब कटिंग करेंगे तब हम दिखाई देंगे। और एट फर्स्ट आपको और एक मेजरमेंट हमें बहुत जरूरी है फ्रेंड, शोल्डर, ठीक है। तो शोल्डर का मेजरमेंट लेने से पहले आपको इसी तरह देखना पड़ेगा, ये ऑर्डरी ब्लाउज यानी कि सेम सेम एज इट इज बनाने के लिए इसका ये बहुत मायने रखता है फ्रेंड, ठीक है। यानी कि ये इधर से देखो तो ये 10.5 आता है, ये देखिए थोड़ा सा हिल जाए तो ये गहरा हो रहा है, ठीक है। तो ठीक है मैं इसका हुक लगाने के बाद में देखो कितना है, तो ये आपको देखना है। गहराई है फ्रेंड। और उसके बाद और एक तरीका है देखने का, शोल्डर देखने का। तो फ्रेंड मैं ये जो स्टाइल दिखा रहा हूँ, मैं जैसे कि मेजरमेंट लेकर हम पैटर्न कट के बनाते हैं वो अलग स्टाइल है, और ये जो है फ्रेंड जो कोई सैंपल देते हैं आपको तब ऐसे ही करना है आपको, जिस स्टाइल से मैं ये दिखा रहा हूँ और आपको वो स्टाइल भी ये स्टाइल ही फॉलो करना है आपको। और ये फ्रेंड 100% आपको ये फिटिंग्स आ जाएगा 100%, ठीक है। तो ये देखिए ये गहराई है तो ठीक ठाक है, 5.5 है, ठीक है। चलिए हमारा शोल्डर का पता चल गया। तो इसी तरह तीनों तरफ से आपको देखना है शोल्डर गहराई, और बाकी कुछ भी नहीं है। अब मैं कैसे इसको पैटर्न काटूंगा वो मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो हमें देखना है फ्रेंड, जैसे कि फुल लेंथ पहले देखना है, 14.5 इंच है,
फुल लेंथ, ये सिंपल सा लिखा है और बाकी जो मेजरमेंट है वो मैं पैटर्न बनाने के बाद मैं दिखा दूंगा। तो 14 इंच से और ऊपर में हाफ इंच और नीचे में हाफ इंच, तो यानी कि 59 हाफ होता है। तो फ्रेंड एक बात मैं बता दूं, ये तो जो ऑर्डर ही ब्लाउज आप कर रहे हैं तो आप लोगों को दिमाग में होना जरूरी है, जैसे कि हाफ इंच नीचे और ऊपर में हाफ इंच जो सिम्स के लिए लिया है फ्रेंड वो नहीं लगता है, यानी कि हम 0.75 ले तो ठीक ठाक है, तो इसलिए हम थोड़ा सा कम कर देंगे। ठीक है, ऑर्डरिंग में फ्रेंड ऐसा नहीं चलेगा, हाफ इंच करने से थोड़ा सा बढ़ जाता है। ठीक है, और इसके बाद हमें शोल्डर का तो पता चल ही गया है, ये सारे घर है यानी कि 5.5 है और हम लेंगे फ्रेंड 6 इंच हम लेंगे। ठीक है, हाफ इंच सीम्स में रखा है, आप चाहे तो थोड़ा सा कम भी कर सकते तो चलेगा। ठीक है, और फ्रेंड मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये टेक्निक आप जो प्रोफेशनली काम करते हैं ऑर्डरी का, तो अब ये टेक्निक आप यूज करें तो आपका पैसे वर्क भी बच जाएगा और साथ ही साथ क्या होगा फ्रेंड पैसा भी बहुत आएगा आपका, जैसे कि ऑर्डर ब्लाउज अब परफेक्ट होगा और जो जो स्टाइल पहनते हैं वो स्टाइल से ही कॉपी हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद हमें चेस्ट लेंथ का करना है, कितना लेना है तो ये देखिए चेस्ट लेंथ हम जब करते हैं, मैं फ्रेंड आप लोगों को कुछ भी हाइट में कर रहा हूँ, सारी ड्रेस बता रहा हूँ, तो ये हमारे ब्लाउज का मिडिल है। ठीक है, आप ध्यान से समझे हमारे बात को, तो ये हमारा मिडिल है और इसे हम अगर ऐसे करें यानी कि हम समांतरल करें यानी कि दोनों लाइन इक्वल करें, तो यह का जो मेजरमेंट है यह का मेजरमेंट रख के हम लोग क्या करते हैं ऐसे करते हैं। ठीक है, यानी कि इधर से ये ठीक ठाक रहेगा, इधर से ही जितना मेजरमेंट है और इधर से भी उतना ही मेजरमेंट है, ये है और ये है मेजरमेंट, यानी कि ये टाइप का मेजरमेंट, ये देखिए हमारा आर्म होल कितना है ये पता चल रहा है। ठीक है, वो टेक्निक फ्रेंड आप अलग से रखिए, ये जो मैं दिखा रहा हूँ ये जैसे कि कोई आपके सैंपल दे बार बार फ्रेंड, यानी कि हम अगेन एंड अगेन एक ही बात को दोहरा रहा हूँ फ्रेंड, आपको कोई भी सैंपल दे इसके लिए मैं ये टेक्निक यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये देखिए हमारा कितना है 6.5 है हमारा। ठीक है, आर्म होल का हमें पता चल गया, तो हमें क्या करना है 6.5 करना है हमें, ये देखिए इतना है, मगर हमें ऊपर से थोड़ा सा छोड़ देना है इधर। ठीक है, और इधर 6.5 अगर करना है तो हम क्या करेंगे, ऊपर सीम्स में चला जाएगा और नीचे जो आएगा नीचे सीम्स जाने के बाद ऐसा होगा, यानी कि हमारा इधर 6.5 होता है और हम थोड़ा सा ऊपर लेंगे तो और इधर सीम्स लाइन डालेगा तो इधर में 6.5 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा सा ऊपर ले रहा हूँ। ठीक है, और इसके बाद फ्रेंड हमारा बास्ट कितना है, हमें तो पता चल ही गया है 40 है बास्ट, तो 1/4 ऑफ बास्ट प्लस हाफ इंच लेंगे फ्रेंड, और हाफ इंच यानी कि इसका जो ग्रामेटिकल जो मेजरमेंट होता है तो वो क्या है 1/4 ऑफ बास्ट प्लस सीम्स प्लस इस, ये इसी से हम बस लाइन करते हैं। ठीक है, तो हम तो क्या कहते हैं 1/4 ऑफ बस, यानी कि हमारा बस 14 इंच, तो 1/4 ऑफ करें तो 10 होता है, उसके बाद हम प्लस हाफ इंच, तो हाफ इंच क्या है, हाफ इंच पे मैं पैटर्न बनाकर घर में रख रहा हूँ इसलिए हाफ इंच मैंने ले रहा हूँ, अदरवाइज अगर डीरे कपड़े में करें तो वो हाफ इंच आपको नहीं लेना है, आपको सिर्फ आपको ईज लेना है यानी कि लूजिंग लेना है, कितना लूजिंग लेना है, मैं तो